तो एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं जालौर से, जहां पर बिना लाइसेंस के सोनोग्राफी मशीन ये इस्तेमाल की जा रही है। निजी अस्पताल के संचालक मुकेश बाफना का ये बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल अस्पताल में बिना लाइसेंस की सोनोग्राफी मशीन संचालित की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर चिकित्सा विभाग की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी संचालक मुकेश बाफना और डॉक्टर गंगाराम प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। किस तरह से धड़ल्ले से ये गोरख धंधा यहां पर चल रहा था, वैध तरीके से यहां पर जांच की जा रही थी, अब ये धरे गए हैं। और इस पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लूणा राम हमारे साथ जुड़ गए। लूणा, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत गंभीर मसला है कि एक तरफ हम इस तरह की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गली कूचे में डॉक्टर सामने जाते हैं, इस तरह के केंद्र सामने आ जाते हैं। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ताकि इस पर लगाम लग सके? पूरी टीम के साथ चिकित्सा विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो अस्पताल संचालक है लाइफलाइन का मुकेश बाफना, उसको गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर गंगाराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार के बाद सोनोग्राफी मशीन सीज कर दी गई है, नकदी और दस्तावेज सीज किए गए हैं और अब दोनों आरोपियों को पुलिस पेश करेगी कोर्ट में, जिसके बाद में जेसी या पीसी लिया जाएगा। लेकिन ये अपना में गंभीर मसला है कि किस तरीके से अस्पताल संचालक इस तरीके के पूरे काले कारनामे को कर रहा था और काले कारनामे के जरिए अवैध सोनोग्राफी मशीन के जरिए महिलाओं की सोनोग्राफी कर रहा था, ये अपना एक गंभीर मसला है। लेकिन ये कितने दिनों से चल रहा था, ये पूरे मामले की जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन अब चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सोनोग्राफी मशीन को सीज किया गया है। लेकिन ये अपना एक बड़ा गंभीर सवाल है कि ऐसे अस्पताल जिनमें बिना लाइसेंस की सोनोग्राफी उपयोग की जाती है और ठगी का भंडाफोड़ किया चिकित्सा विभाग ने, तो ऐसे अस्पतालों को सीज कब करेगी, ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस कब निलंबित होंगे और ऐसे अस्पताल कब बंद होंगे, ये अपना भी गंभीर सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लूणा राम तमाम जानकारी के लिए। तो आज इन दोनों की कोर्ट में पेशी होगी, इनसे पूछताछ की जा रही है कि कब से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, किस किस की मिली भगत थी, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इनके मन में जरा सा भी खौफ ना हो या फिर इन्होंने तमाम चीजों को मैनेज कर रखा था, जिसकी वजह से यूं धड़ल्ले से अपना काम कर रहे थे।